हेलो फ्रेंड्स, बागुनारा कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों से बातें। तो फ्रेंड्स, बच्चों से तो तरह तरह की बातें होती है ना, कभी प्यार दुलार की, कभी डांट डपट की, कभी उनको ऑर्डर देने की। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग तरह तरह की बातें बच्चों से कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब तक तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं जिसमें कि कुछ मांगना है हमें, या फिर कहीं ऑफिस में बातें करनी है, डॉक्टर से बातें करनी है, लेकिन आज हम लोग बच्चों से किस तरह से बातें करते हैं, कभी डांट डपट के, कभी प्यार से। जैसे, उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, बाहर जाकर खेलो, कितना टीवी देखोगे, देखो तुम्हारा दोस्त आया है तुमसे मिलने। तो फ्रेंड्स, तरह तरह की बातें बच्चों के साथ कैसे करते हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, टॉकिंग विद चिल्ड्रन। सबसे पहले फ्रेंड्स, उठो, 6 बज गए, स्कूल जाना है। मान लीजिए फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चा उठ नहीं रहा है, तो बताना ना, उठो, 6 बज गए। उठो को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ले। एक्चुअली में ले भी बोलते हैं, ले, लेकिन ले, ले भी बोलते हैं, ले, ले आरू, आरू मतलब होता है 6, ठीक है ना, आरू। घंटा लाइंदी, घंटा लाइंदी मतलब फ्रेंड्स, घंटा मतलब बजे, आइंदी मतलब बज गया, आइंदी, आइंदी मतलब हो गया, ठीक है ना। तो घंटा मतलब बजे, आइंदी हो गया, आरू घंटा लाइंदी मतलब 6 बज गए। उसी प्रकार से एड घंटा लाइंदी, 7 बज गए। एनमिंदी घंटा आइंदी, 8 बज गए। पदी घंटा लाइंदी मतलब 10 बज गए। इस तरह से फ्रेंड्स, नंबर तो हमें जानना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स। 10 तक याद करने के बाद ना हम लोग आराम से बोल सकते हैं। 11, 12 बोलना है तो पद गुंडू, 11, 12, बस 12 तक, बजे में तो 12 तक ही चलेगा ना। इस तरह से तो ले आरू घंटा लाइंदी, ले मतलब उठो, आर घंटा लाइंदी मतलब 6 बज गए, ठीक है। चलिए, जल्दी नहाओ, नाश्ता तैयार है। यदि हम बोलना है जल्दी नहाओ, नाश्ता तैयार है, जल्दी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, त्वरगा, त्वरगा, नहाना, स्नान, हिंदी में भी स्नान बोलते हैं, तेलुगु में भी स्नान ही बोलते हैं, त्वरगा स्नान चई, त्वरगा स्नान चई, चई मतलब होता है फ्रेंड्स करो, ठीक है ना, त्वरगा स्नान चई मतलब जल्दी स्नान करो, जल्दी नहाओ, टिफिन तैयार गा उंदी, टिफिन मतलब नाश्ता, तैयार गा रेडी, उंदी है, टिफिन तैयार गा उंदी मतलब नाश्ता बिल्कुल रेडी है, त्वरगा स्नान चई टिफिन तैयार गा उंदी मतलब जल्दी जल्दी नहाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता रेडी है। अभी तक क्यों सो रहे हो, तबीयत ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, बच्चा नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा लगता है क्या हो गया उसे। अभी तक क्यों सो रहे हो, तबीयत ठीक है ना, यदि ऐसा पूछना है तो अभी तक, अभी तक को बोलते हैं इपटी वर्कु, इपटी मैंने अभी, वर्कु मैंने तक। तो फ्रेंड्स, ये जो है करेक्टिंग वर्ड है, इसको याद रखिएगा, अभी तक, इपटी वर्कु, इपटी वर्कु, क्यों, इंदुकु, पढ़को नाउ, सो रहे हो, इपटी वर्क, इंदुकु पढ़को नाउ, इपटी वर्कु एंदुकु पढ़को नाउ, अभी तक क्यों सो रहे हो। तो ये वाक्य जो है ना फ्रेंड्स, दो भागों में है, अभी तक क्यों सो रहे हो, इपटी वर्क एंदुकु पढ़को नाउ, फिर तबीयत ठीक है ना, आरोग्यम बागो लेदा, आरोग्यम बागो लेदा मतलब तबीयत ठीक ठाक है ना, तबीयत ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आरोग्यम तबीयत बागो लेदा मतलब ठीक है ना, खराब तो नहीं है ना, ठीक है ना। बागा मतलब अच्छा, लेदा मतलब नहीं, और लेदा लग है ना फ्रेंड्स, नहीं है क्या मतलब ठीक नहीं है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एग्जैक्ट हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि तेलुगु में किस तरह से लोग बातें करते हैं, हमें उस चीज को ध्यान रखना है, और हमें बस सेंस रखना है, उसी सेंस में बोलना है, और साथ ही हमें उनके वर्ड को उस सेंस के लिए वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं हमें उसको ही सीखना है ना। ट्रांसलेट यदि हम लोग करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल फनी टाइप का हो जाएगा, वैसा हम लोग को कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो बागो लेगा मतलब ठीक नहीं है क्या, तबीयत ठीक नहीं है क्या, एक्चुअल हुआ एक तरह से, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उसी उसी को वहां पे बागो लेगा, उसी सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। आरोग्य बागो लेगा, तबीयत ठीक नहीं है क्या, तबीयत ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। चलिए, अब बोलना है फ्रेंड्स, यदि हमें कहना है कि तुम्हारा, देखो बाहर तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस तरह के यूज करते भी हैं लोग, ठीक है। देखिए, देखो बाहर तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है, देखो, देखो को बोलेंगे चूड़ू, देखो चूड़ू,
चुड़ू बाहर बैठ का तुम्हारा मित्र निस्नेह तुड़ू मित्र फ्रेंड्स। हालांकि आजकल तो फ्रेंड्स का यूज ज्यादा करते हैं लोग, हिंदी में मित्र बोलते हैं लेकिन ज्यादातर फ्रेंड्स का यूज करते हैं, तेलुगु भी करते हैं लेकिन हमें जानना है तेलुगु में स्नेहितुड़ू कहते हैं। स्नेहितुड़ू, स्नेहितुड़ू मतलब होता है दोस्त मित्र, ठीक है ना फ्रेंड। नी स्नेहितुड़ू तुम्हारा मित्र, नी स्नेहितुड़ू तुमसे निन्नु निन्नु मिलने आया है कलवडानकी वच्चाडु आया है कलवडानकी वच्चारु नी स्नेहितुड़ू निन्नु कलवडानकी वच्चारु నీ స్నేహితుడు నిన్ను కలవడానికి వచ్చాడు వచ్చాడు ఆయా హై తో ఫ్రెండ్స్ బయట చూడు మతలబ్ బయట చూడు బాహర్ దేఖో నీ స్నేహితుడు తుమ్హారా దోస్త్ నిన్ను కలవడానికి తుమ్సే మిల్నే కే లియే వచ్చాడు ఆయా హై చూడు బయట నీ స్నేహితుడు నిన్ను కలవడానికి వచ్చాడు ఠీకే చలి ఆగే బోల్నా ఫ్రెండ్స్ జావ్ బాహర్ జాకర్ ఖేలో जाओ बाहर जाकर खेलो। बच्चे आजकल टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं ना जाओ बाहर जाकर के खेलो, ठीक है जाओ बाहर जाकर खेलो। जाओ जाओ के लिए वेल्लू वेल्लू, ठीक है ना वेल्लू। जाओ बाहर जाकर खेलो, बाहर जाकर बैठ के वेल्ली। जाओ वेल्ली बाहर जाकर, यहाँ पर जाकर दो बार फ्रेंड्स, एक बार देखिए जाकर का फ्रेंड, एक बार जाओ के लिए आया है और एक बार जाकर के लिए आया है, ठीक है ना। और जाने के लिए होता है फ्रेंड्स वेल्लटम वेल्लटम, तो जाओ के लिए वेल्लू जाकर के लिए वेल्ली। बैठ के वेल्ली बैठ के वेल्ली बाहर जाकर, ठीक है। आड़को खेलो, खेलने के लिए आड़ होता है ना खेलो आड़को। वेल्लू बैठ के वेल्ली आड़को, वेल्लू बैठ के वेल्ली आड़को मतलब जाओ बाहर जाकर खेलो, वेल्लू बैठ के वेल्ली आड़को। दिन भर वीडियो गेम मत खेलो फ्रेंड्स, यदि हमें इस तरह से करना है दिन भर वीडियो गेम मत खेलो। दिन भर के लिए क्या कहते हैं रोजंता, दिन भर कहते हैं फ्रेंड्स रोजंता मतलब फुल टाइम होल डे रोजंता। वीडियो गेमलु ठीक है ना, वीडियो गेम इंग्लिश वर्ड है, वीडियो गेमलु आड़ोद्दु आड़ोद्दु। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आड़तम खेलने के लिए होता है, आड़को भी बोल सकते हैं, दो चीज हो सकता है आड़ प्लस को लगा सकते हैं, आड़को मतलब मत खेलो या फिर आड़ वद्दू दोनों बोल सकते हैं, आड़को मत खेलो आड़ वद्दू मत खेलो दोनों के लिए, ठीक है ना। तो रोज अंता वीडियो गेम लो आड़को, रोज अंता वीडियो गेम लो आड़ वद्दू दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। यदि फ्रेंड्स यदि बोलना है मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो मुझे सोने दो, यदि बच्चे से ऐसा कहना है ठीक है तो क्या कहेंगे नन्नू मतलब मुझे, नन्नू मुझे इबंदी, इबंदी भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, चिराकू भी बोलते हैं, नाकू चिराक पेटकू, चिराकू मतलब होता है थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है चिड़चिड़वा रहा है तो उसको चिराकू बोलते हैं। तो नन्नू चिराकू पेटकू, नन्नू चिराकू पेटकू या फिर इबंदी मैंने परेशान के लिए बोलता है तो नन्नू इबंदी पेटकू दोनों बोल सकते हैं, नन्नो इबंदी पेटकु नन्नो चिराकु पेटकु मुझे परेशान मत करो। नन्नो पड़को निबु, नन्नो पड़को निबु मतलब मुझे सोने दो, नन्नो मुझे पड़को निबु सोने दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप दो शब्द नया सीख रहे हैं, मुझे के लिए यहाँ पे नाकू नहीं नन्नू, तुम्हें के लिए निन्नु, बहुत प्यारा शब्द है नन्नू निन्नु याद रखिए अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। यदि फ्रेंड्स कहना है जल्दी सोओगे तभी तो जल्दी उठोगे, जल्दी सोओगे तभी तो जल्दी उठोगे, यदि बच्चे को ऐसा बोलना है फ्रेंड्स जल्दी सोओगे मतलब सो जाओ तभी तो जल्दी उठोगे, तो जल्दी के लिए क्या था फ्रेंड्स याद है सबसे पहला सेंटेंस में था त्वरगा त्वरगा, पड़कुंटे सोने से त्वरगा पड़कुंटे जल्दी सोने से त्वरगा लिस्ताऊ जल्दी लिस्ताऊ उठोगे, ले बठान उठने के लिए ले ले उठो उठो ठीक है। त्वरगा लिस्ताऊ त्वरगा पड़कुंटे त्वरगा लिस्ताऊ जल्दी सोओगे तभी तो जल्दी उठोगे, सो जाओ ठीक है ना, पड़को त्वरगा पड़को जल्दी सो जाओ ठीक है। बहुत थके लग रहे हो,
दूध पी लो, यदि बोल रहा है फ्रेंड्स बहुत थके लग रहे हो, दूध पी लो बहुत थके लग रहे हो, थोड़ा जूस पी लो बहुत थके लग रहे हो, थोड़ा सो जाओ बहुत थके लग रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, इस तरह से बोलना है, ठीक है। बहुत थके लग रहे हो, तो थके लग रहे क्या मीन फ्रेंड्स, अलसी पोई नट्टो उन्नाओ, अलसी पोई नट्टो उन्नाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दो चीज है ना, इसको सीखिए। सबसे अधिक जो खूबसूरती है ना वो है यहाँ पे संधि, तेलुगु की सबसे अधिक खूबसूरती संधि है, लेकिन ये खूबसूरती हम लोग के लिए बहुत दुरूह, बहुत पहाड़ बन जाता है फ्रेंड। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल तोड़ तोड़ के वाक्य जो है ना उसको तोड़ के हमें सीखना है और जोड़ के हमें बोलना है। तो आलसी पोई, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आलसी पोई नट्टू, ये देखिए आलसी पोई नट्टू, यहाँ पे इस चीज को देख लीजिए फ्रेंड्स, आलसी पोई मतलब होता है ना फ्रेंड्स कि बहुत थकान लग रही मुझे, आलसी पोयानू यहाँ पे इसी को बोल सकते हैं, आलसी पोयानू मतलब मैं थक गई, आलसी पोई नट्टू मतलब थकने जैसा, आलसी पोई नट्टू मतलब थकने जैसा, प्लस उसके लिए बोल रहे थे उन्नाऊ, उन्नाऊ आलसी पोई नट्ट उन्नाऊ। यहाँ पे देखिए अलसी पोइनट उन्नाऊ, देखने से लग रहा है कितना लंबा लंबा शब्द है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है फ्रेंड्स। अलसी पोइनट इसको याद रख लीजिए, अलसी पोइनट यदि अपने लिए यूज करना है तो अलसी पोयानु मतलब थक गया हूँ। इस चीज को याद कर लीजिए फ्रेंड्स, अलसी पोइनट मतलब बिल्कुल थकान जैसा, उन्नाऊ हो। तो क्या बोल रहे हैं, बहुत थके लग रहे हैं वो, दूध पी लो, चाला बहुत मतलब चाला अलसी पोइना टुन्नाउ, चाला अलसी पोइना टुन्नाउ। इस तरह से फ्रेंड्स, चाला बहुत, अलसी पोइनट उन्नाउ बहुत थके लग रहे हो, चाला अलसी पोइना टुन्नाउ बहुत थके लग रहे हो, पाल तागु दूध पी लो, जूस तागु पल्ला रसम तागु जूस पी लो, पढ़को सो जाओ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, है ना यूजफुल? निश्चित रूप से फ्रेंड्स, बच्चों से ही नहीं, यदि हमें किसी और से भी इस तरह से बातें करनी है तो आराम से कर सकते हैं। इस तरह की बातें दोस्तों के साथ भी करते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगती है फटाफट कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।